ये तो कट कर दीस। चलिए आज मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर राणा घोष से, और जो जगदलपुर में है, छत्तीसगढ़ जगदलपुर। राणा जी, कैसा लगा आपको हमारा प्लांट? नहीं, हम आपका प्लांट बहुत अच्छा है। हमने पहले यानी कि 5 टन का लिया था, 50 किलो के 100 सीसी, जो यानी कि क्या बोलते हैं अपने को 18 घंटे से पहले हमको यानी कि प्रोडक्शन देता है। और उसके बाद हमने दूसरे साल 3 टन का प्लांट लिया, 25 किलो के 100 ब्लॉक, है ना। इसको देखते हुए हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारा ने 5 महीने का वो रहता है, इसलिए हमने अभी यानी कि 10 टन का यानी कि प्लांट आने की आपसे लिया है, है ना, जो कि 100 किलो, है ना, 100 किलो के यानी कि 100 सिल्ली। अभी यानी कि फ्री एन फ्यूल गैस का यानी कि प्लांट है, जिससे प्रदूषण यानी नहीं फैलता है, जिससे यानी लोगों को जन हानि भी नहीं होती। और अच्छा है क्योंकि वो तो 12 घंटे में देती है, और 50 किलो 17 से 18 घंटा में यानी हमको यानी प्रोडक्शन मिलता है। धन्यवाद राणा जी आपसे। जगदलपुर का प्लांट है, इस टाइप से कूलिंग टावर है, ये सारे टीन शेड लगाए हुआ है। इसके अंदर 3 टन 5 टन और 10 टन 3 प्लांट लगाए हुए हैं। ये हमारा पुराना प्लांट है, इसमें 3 प्लांट आए हुए हैं 3 साल में बराबर। इस तरीके से ये 3 टन का प्लांट है जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये फ्री ऑन गैस पे, इस टाइप से एक मशीन दे रखी है और ये पैनल दे रखी है, पूरा फ्री ऑन गैस पे। इस टाइप से 2 प्लांट लगाए हुए, ये एक 10 टन का प्लांट है जिसका ये प्लेटफॉर्म है, और ये 5 टन का प्लांट है जिसका ये एक प्लेटफॉर्म है। ये क्रशर है बर्फ को पीसने के लिए। इस टाइप से आप देख सकते हैं पीछे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये मशीन लगी हुई है और वो पैनल लगी हुई है। ये 50 किलो की बर्फ की सिल्ली है। क्रश करने का मशीन है, ये बर्फ की क्वालिटी है। क्रश करने के बाद इस टाइप का पूरा बर्फ है, हार्ड। फिशिंग के लिए ये बर्फ बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा कहा जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा, आपने ये देखा, ये हमारा पुराना प्लांट लगा हुआ है। अब 2 ऑफर ये है कि लोन की ऑफर हमने दे रखी थी, दिवाली तक लोन की ऑफर, जो अब बढ़ाकर हमेशा के लिए कर देगी, यानी अब लोन आपको कभी भी मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक माइनस पॉइंट ये भी आया है कि पेट्रोल और डीजल के भाव और डॉलर के भाव बढ़ने के कारण कंपनी दिवाली के बाद 15 से 20% प्लांट में कीमत की बढ़ोतरी करेगी। तो अगर आप अगर प्लांट लेना चाहते थे तो दिवाली से पहले आप अपना एग्रीमेंट करके अपना प्लांट बुकिंग करवाइए पुरानी कीमत पे। ये एक माइनस पॉइंट है। अब आपको दूसरी बात करता हूँ कि हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि हम जिस जगह प्लांट देते हैं वहाँ एक ही प्लांट देते हैं, हम दूसरा प्लांट वहाँ पर नहीं देते, हम कंपटीशन करवाने में नहीं मानते। अब आप कहोगे इसमें क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा मैं बताता हूँ। अगर किसी पार्टी ने 5 टन का प्लांट मुझसे लिया है, अब उसके एरिया में 5 टन का ही सेलिंग है, और मैं अगर वहां दूसरा भी 5 टन का प्लांट दे दूंगा तो कंपटीशन हो जाएगा और दोनों पार्टियां कमाने। इससे अच्छा अगर वो 5 टन का ही प्लांट लेते हैं और अगर अगले साल उनका सेलिंग बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो पार्टी मुझसे दूसरा प्लांट लेगी, तो मैं क्यों वहां कंपटीशन करवाऊं। इस तरीके जिस तरीके राणा जी ने हमारा प्लांट लिया, पहले 5 टन का लिया, फिर 3 टन का लिया, 10 टन का लिया, क्योंकि मैंने यहां कंपटीशन नहीं करवाया। ऐसे में आपको 6 से 7 पार्टियों की वीडियो अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे और भी वीडियो ऐसी मिलेगी आपको जिसके हर पार्टी ने मेरे से 2, 3, 4 ऐसे प्लांट ले रखे, वो आपको हम बताएंगे।